हेलो क्लास, वेलकम बैक. सो वी वर डिस्कसिंग दी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 7 एंड वी हैड डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 8. नाउ लेट अस डिस्कस दी फर्दर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. सो क्वेश्चन 9 सेज मैच द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अलोंग विद देयर फंक्शन. सो फ्लावर विल गो फॉर रिप्रोडक्शन बिकॉज दैट हैज़ मेल एंड फीमेल पार्ट विच इज़ इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन. लीफ is basically involved for making a food and that process is known as photosynthesis. After that we have stem. Now what does stem do? It bears the branches, fruits and etc, right? So C part will come here. Lastly roots, they help in anchorage of the plant, yani they help in keeping the plant firm to the soil. So this will come here. Next question is, Bujo wanted to test the presence of starch in leaves. He performed the following steps. He took a leaf and boiled it in water. He placed the leaf in petri dish and poured some iodine over it. He did not get the expected result. What step did he miss? Now if you can see here, यहाँ पर उसने क्या गलती की है, उसने किसके अंदर बॉइल किया, वाटर के अंदर. जबकि हम किसके अंदर बॉइल करते हैं, वी बॉइल इट आइदर इन स्पिरिट और इन एल्कोहल, दे आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग्स. So after boiling it in water, it has to be boiled in alcohol basically. So that step he had missed. So that the chlorophyll is removed and the green color comes out. So he did not do that and that is why he did not get the expected result. So it is very important. Next question is, will a leaf taken from a potted plant kept in a dark room for few days turn blue black when tested for starch? ये हमने वर्कशीट के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि अगर आप एक प्लांट को डार्क रूम में रख दोगे, यानी कि उसकी सनलाइट को आपने हटा दिया, एंड यू नो दैट सनलाइट इज़ दी एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर फोटोसिंथेसिस. अब इनमें से अगर एक भी उसके चार कैरेक्टरिस्टिक्स या चार चीज़ों में से एक चीज़ आपने हटा दी, तो प्लांट विल नॉट प्रिपेयर फूड, फूड नहीं बनेगा तो स्टार्च भी नहीं होगा एंड देयर विल बी नो ब्लू ब्लैक कलर. सो दिस इज दी आंसर दैट इज गिवन फॉर दैट, आई हैव एक्सप्लेन टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, कैन द स्टेम ऑफ अ प्लांट बी कंपेयर्ड विद अ स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक? नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपको याद होगा मैंने जब पढ़ाया था ये टॉपिक, देन आई हैड ऑल्सो आस्क्ड यू इन द क्वेश्चन ऑफ द डे दैट वट इज द थिंग दैट इज गोइंग अप एंड वट इज द थिंग दैट इज कमिंग डाउन इन अ स्टेम. आपको याद होगा इन द स्टेम द वॉटर एंड द मिनरल्स बोथ दे गो अप एंड वन द फूड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड द फूड इट कम्स डाउन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. सो यानी कि दोनों डायरेक्शन में ट्रैफिक चल रहा है, सो दैट इज वाई स्टेम कैन बी कंपेयर्ड विद अ टू वे स्ट्रीट. नाउ हेयर आर सम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. सो वट डू वी नीड टू डू इन दीज इज दैट रीड द फंक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट गिवन बिलो. ए पार्ट सेज इट फिक्सेस द प्लांट टू द सॉइल. कौन सा पार्ट जो है प्लांट को फिक्स करता है सॉइल से? अभी हमने ऊपर देखा था एंकरेज में कौन हेल्प करता है, इट इज दी रूट्स. Next is, it prepares starch. You know who prepares the food in the form of starch? Leaves. After that, next one is, takes part in reproduction. This we have just saw in the first question. It is the flowers that take part in reproduction. Next is, support branches and bears flowers. It is of course the stem. Stem ke upar hi branches and all aati hai, right? So we have done this one. Let's move to the next one. Draw the veins of the leaves in the given diagram and write the type of venation. Now first one is grass. Grass के अंदर आपको पता है कौन सी venation होती है? Parallel venation होती है. तो इसकी venation कैसे draw होगी? ऐसे, right? People and China rose. इनके अंदर कौन सा venation होता है? Reticulate venation होता है. यानी कि बीच में एक ये central line है दोनों के और फिर ऐसे ऐसे lines आएंगी इसके अंदर. So this you can draw and write the venation. Apart from that, let's come to question 15. Observe this figure and attempt the following questions. Now label the part 1, 2, 3, 4. पहले label कर लेते हैं ये कौन सा part है हमारा. ये part हमारा stem से attach कर रहा है, so this is known as your petiole. And the two
part, I think that is the midrib because there's a black and white photo, it's not clear. So it's a midrib, I think. This is your lamina. This will go as your margin or venation. So apart from that, the next question that they're asking, so as I forgot to write here venation, both can be thing. If it is marked here, it is margin. If it marked at the lines like these, then it is vein or venation, you can write. Next is, what type of venation does it have? Now this has a this type of venation. So this is a reticulate venation, right? Apart from that, what type of venation is seen in the grass leaves? ये हमने अभी just ऊपर देखा, grass के अंदर कौन सा venation होता है? Parallel. The leaf has reticulate venation. In reticulate venation, veins form a network. In grass leaves, parallel venation is seen. In parallel venation, the veins run parallel to one another. So this is the solution for that. Next question is question number 16. Observe the picture of an activity carried out. Now answer the following. आपको याद होगा ये कौन सी वाली activity है? ये transpiration को समझने वाली activity थी जिसमें हमारा plants जो हैं वो पानी release करते हैं और वो इस polybag से टकरा के यहीं पे water droplets form कर लेते हैं. आपको याद आ गया होगा ये activity. Now which process is demonstrated in this activity? It is transpiration. When will this activity show better results? On a bright sunny day or a cloudy day? Obviously ये bright sunny day पे ही करेगा क्योंकि sun होगा तो उसकी presence में ही जो water है वो पानी leaf से बाहर निकलेगा और condensation होगा. So this will basically happen on a bright sunny day more. And जो इसका rate होता है, speed होती है, वो sunny time में ज़्यादा होती है. Next is, what will you observe in a polythene bag after few hours? We will observe that tiny drops of water have condensed. This is what you will observe if you remember the activity, right? Mention any one precaution that you must take during this activity. Ab isko activity ko perform karte mein kya dhyan rakhna hai? एक तो पहली बात यह है कि पॉलीथिन जो आप ले रहे हो शुड बी ड्राई, उसके अंदर पानी ऑलरेडी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे. एंड जो ये आप पॉलीबैग लगाओगे, इट शुड बी टाइटली पैक्ड सो दैट इट इज एयर टाइट. एंड द ट्विग दैट यू आर टेकिंग, इट शुड बी फ्रेश. सो दीज आर सम ऑफ द प्रिकॉशंस विच यू कैन टेक, बट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन. नाउ क्वेश्चन 17 सेज, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड करेक्ट देम. First is, anther is the part of pistil. What is wrong here? Pistil is the female part. और ये किसका part होता है? ये stamen का part होता है जो कि एक male part है, right? Next is, the visible parts of a bud are the petals. ये गलत है क्योंकि क्या होता है, जब bud होती है तो हमें flower तो ऐसा दिखता नहीं, उसके जो चारों तरफ green covering के छोटे छोटे leaves होते हैं हमें वो दिखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? Sepals कहते हैं. So this petal will cut and sepal will come here. After that, next part is, lateral roots are present in the tap root. Now this is correct, क्योंकि ये जो tap root होती है उसमें इधर जो छोटे छोटे roots आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? Lateral root. तो ये तो ठीक है. Next is, leaves perform the function of transpiration only. No, this only will not come because it do many functions like photosynthesis and transpiration and all. So this is question 17. And lastly, here comes your question of the day. That is the crossword. So this is your question of the day. You will solve this on your own and it has marks. So what do you need to do? Listen carefully. You will pause this video and solve this crossword on your own. And then you will write the answers in the comment box along with your name. Why name? Because I need to mark them, right? So this is the crossword that is given. Let me just show it like this. I hope now the whole of it is visible. Here are the terms given for across and for the down. You will solve this crossword and you will write the answers in the comment box. Now how you can write this up? For example, you can write one do baar hai. Ek baar down pe bhi hai, ek baar across pe bhi hai. So you will write one across, उसके आगे आप आंसर लिखोगे, वन
डाउन, उसके आगे आप आंसर लिखोगे, ऐसे ही आप बाकी सबका लिखोगे. फॉर एग्जाम्पल टू का है तो यू विल राइट टू डाउन एंड आंसर, एंड प्लीज सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस एक्टिविटी हैज मार्क्स. सो यू कैन पॉज द वीडियो हेयर, सॉल्व इट एंड यू कैन राइट द आंसर्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस टूडे इन दिस वीडियो. एंड नाउ यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर फॉर योर रिविजन टेस्ट विच विल बी टेकन ऑन गूगल क्लास रूम टूमोरो इन द गूगल फॉर्म्स, राइट? So I hope these today's concepts are clear to you. If you have understood, then like the video, and if you are new to the channel, then subscribe it and share this channel with your friends so that we can grow, right? So till then, we will see you in the next class. So bye and take care.